तो विपक्षी जिसे गुंडों की पार्टी कहते थे, साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इस छवि को बदलने की पूरी कोशिश की। पहले डीपी यादव, बाद में अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी बंधुओं को समाजवादी परिवार में शामिल नहीं करना इसका जीता जागता उदाहरण बना था। अखिलेश यादव के फैसले से सपा में एक नए बदलाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी सोच को झटका लगा है और पार्टी ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है। क्यों आई ये नौबत, इस रिपोर्ट को देखिए। जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी फिर से समाजवादी हो गए हैं। सिबगतुल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल कर समाजवादी पार्टी केवल गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार से सहानुभूति रखने वाले खास तबके को अपना बनाने का सियासी दांव खेल रही है। हालांकि यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा में ही अंसारी बंधुओं को लेकर अंतर्द्वंद साफ दिखाई दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही अंसारी बंधुओं को पार्टी में शामिल कराने से साफ मना कर दिया था। अखिलेश यादव ने अपने इस स्टैंड के जरिए चाचा शिवपाल की नाराजगी भी मोल ली थी। कुछ ऐसे फैसले थे जिसने अखिलेश यादव की एंटी माफिया छवि को बनाने का काम किया था। तो 2012 में बाहुबली डीपी यादव का टिकट कटा। आजम खान जैसे बड़े नेता ने डीपी यादव को टिकट देने का वादा तक कर दिया था। साल 2012 में क्रांति रथ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली डीपी यादव का अखिलेश को चैलेंज देना और बच्चा बोलना डीपी यादव को भारी पड़ गया। पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा डीपी यादव को समर्थन देने के बाद भी अखिलेश अपने फैसले पर कायम रहे। डीपी यादव को टिकट नहीं देना अखिलेश के पक्ष में एक अलग पॉजिटिव माहौल पैदा करने का काम कर रहा था। अतीक अहमद को मंच से धक्का। बाहुबली अतीक अहमद को मंच पर अपने पास से धक्का देकर हटाना भी अखिलेश की मिस्टर क्लीन छवि को दिखाने का प्रयास था, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। राजा भैया से भी उचित दूरी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी अखिलेश यादव अपनी सरकार में उचित दूरी बनाने का प्रयास करते दिखाई दिए और आज अखिलेश और राजा भैया के बीच की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। गायत्री प्रजापति से अखिलेश यादव की दूरी। गायत्री प्रसाद प्रजापति भी अखिलेश कैबिनेट में होते हुए भी अखिलेश के कभी करीबी नहीं बन पाए और एक बार मौका मिलते ही अखिलेश ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के पर कतर दिए, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव ने खुले मंच से गायत्री की वापसी की घोषणा कर दी थी, तब अखिलेश को मजबूर बताया गया था। जिन अंसारी बंधुओं का विरोध खुद अखिलेश यादव ने किया था, आज उन्हीं में से एक भाई को पार्टी में शामिल करा दिया गया। एक तरह से माने तो अब बड़े भाई के जरिए अंसारी परिवार साइकिल की सवारी करेगा। बिल्कुल 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 ठीक है, आप जाइए, चुनाव लड़िए, क्षेत्र में जाइए। सिबगतुल्ला अंसारी के सियासी करियर की बात करें तो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से 2007 में समाजवादी पार्टी और 2012 में कौमी एकता दल से ये विधायक रहे। साल 2017 में बीएसपी से मैदान में उतरे, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। बहरहाल माफिया मुख्तार के भाई की समाजवादी पार्टी में एंट्री ने विरोधियों को मौका तो दे ही दिया है। जाहिर है कि साल 2012 से लेकर 17 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो मिस्टर क्लीन की छवि बनाई, उस पर अब सवाल उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।